बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को खुश आमदेद। एक मरतबा फिर मैंने आपसे वादा किया था कि हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस, ये भी अल्लाह के बहुत जय्यद नबी, आज इनकी बारगाह में हम हाज़िर हैं। और आले इमरान, सूरह आले इमरान सूरह है पूरी क़ुरान मजीद में, वो हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के नाम से है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। ये अल्लाह के नबी हैं और ये बिल्कुल सलाला के बिल्कुल शहर के अंदर है। वो तो हमें पहाड़ी पर चढ़ के जाना पड़ा था, लेकिन ये बिल्कुल शहर के अंदर है। और बहुत खूबसूरत बना हुआ है, 32 गज लंबा मज़ार अक़दस है। तो इसकी ज्यारत हम अभी आपको कराएंगे। अगेन एहसन 90 फुट बनता है। तो आज हुमायूं कादरी तो है ही मेरे साथ, एहसन सज्जाद हैं और हमारे बड़े प्यार वाले काजी अब्दुल शकूर साहब, काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती साहब जो ल्यूटन वाले इंडियन वाले उनके ये भांजे हैं। तो काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती साहब तो हमारा, और परवेज़ मलक परवेज़ अख्तर साहब जो हमारे मेज़बान भी हैं यहाँ सलाला में, जिस तरह से पहले भी मैंने जिक्र किया कि बड़े प्यार वाले और बड़े दिल वाले आदमी हैं, वो तो हमारे साथ ही हैं। काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती साहब ल्यूटन लंदन में जो है वो समझ ले मेरा घर है एक किस्म का। तो काजी साहब को भी सलाम, अता को, सब दोस्तों को मेरी तरफ से। तो काजी शकूर साहब से यहाँ मुलाकात हुई है, ये सलाला में ही रहते हैं माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी जगह रहते हैं माशाल्लाह। ये नबियों की ज़मीन कहलाती है, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहलाती है। तो वक्त ना होने की वजह से बाकी मज़ारात पर, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार काफ़ी दूर है और हज़रत साले अलैहिस्सलाम का मज़ार वो भी काफ़ी यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर है, तो वहाँ पर नहीं जा पा रहे। तो ये बड़ा एक दुख की बात है, लेकिन वक्त कम था और आज रात में महफिल भी है। तो जो सलाला के देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह हमदान हॉल में इंशाल्लाह आज महफिल भी है, तो आप तमाम अहबाब 8:30 बजे वहाँ भी ज़रूर तशरीफ लाइए। तो हम आपको ज़ियारत करवाते हैं, मगरब की अजान का वक्त भी हो गया, आइए चलते हैं अंदर। ज़ियारत करेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे।
से वो ये दिखा देंगे, उनको कंफर्म नहीं था कितनी बड़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा थी, उन्होंने पूरी बना दी जी। बाकी इसमें से कोई एक तो हो गई जी हाँ, ये 1380 हिजरी में ये इस हालत में था कि मज़ार अक़दस काफ़ी तवील था, तो इस वजह से इसको फिर इतना तवील बना दिया गया। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त रूए ज़मीन पर इतना तवील मज़ार जो 32 गज़ 90 फुट का है, ये हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस है। अल्लाह ताला हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के सदक़े से हम सब की मग़फ़रत फरमाए, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत फरमाए। ये आप देख रहे हैं, ये इतना खूबसूरत मंज़र है कि मैं बयान नहीं कर सकता, इसे अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता, इसका अहाता कैमरे की आंख नहीं कर सकती है। बहुत तवील है ये, बहुत तवील। बहुत तवील है, आप देख रहे हैं ये। मेरी पहले भी यहाँ हाजिरी हो चुकी है, तकरीबन 2-3 साल पहले मैं आया था और आज फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी का शर्म हासिल हुआ है। और मगरब का वक्त हो गया है, यहाँ अब आपको आवाज़ आ रही होगी, इसकी मुलहिका मस्जिद में ही नमाज अदा करेंगे। एक मरतबा फिर आप ज़्यारत कर लीजिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये अंदाज़ा कर लें कि अब ये 32 गज़ यानी 90 फुट तवील है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यारत सब कर सकें, अहबाब जहाँ जहाँ तक ये पहुँचे शेयर करने वाले को इसका अजर मिले, ताकि ये ज़्यारत एक नबी के मज़ार की तमाम लोग कर सकें। ज़रूर इसे शेयर कीजिए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता करे।